नमस्कार दोस्तों, गैजेट शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों आगे जानेंगे एक शानदार डेजर्ट एयर कूलर के बारे में। एयर कूलर तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल, डेजर्ट और विंडो। सबसे बढ़िया और पावरफुल होता है डेजर्ट एयर कूलर। बजाज ब्रांड की इस डेजर्ट एयर कूलर की कीमत है 9,990 रुपए। 10,000 रुपए से कम कीमत में यह एक बेहतरीन विकल्प है भारतीय बाजार में। ताई जानते इसके बारे में विस्तार से। शुरुआत करते हैं जानने से इसके खास खूबियों एवं कार्य निष्पादन क्षमता को। इस एयर कूलर का टाइप है डेजर्ट। टैंक कैपेसिटी है 90 लीटर। मैक्स एयर डिलीवरी मिलेगा 5600 CMH, जो कि बहुत बढ़िया है। एयर थ्रो है 90 फीट तक, तो यह एयर कूलर परफेक्ट होगा 100 स्क्वायर फीट जितने बड़े कमरे के लिए। इसमें दिया गया 3 साइड से हनीकॉम पैड, जो मैक्सिमाइज करता है इसके कूलिंग परफॉर्मेंस को। 1 घंटा चलाएंगे इस एयर कूलर को, पावर भी लगेगा 1.40 रुपए का। इन्वर्टर पावर पे चलेगा यह एयर कूलर। यह भारत में निर्मित उत्पाद है। ऑनलाइन खरीदेंगे, अमेजन से खरीदेंगे तो मिलेगी 10 दिन की रिटर्न वारंटी। ब्रांड से मिलेगी 2 साल तक की वारंटी, 1 साल की वारंटी पूरे यूनिट के लिए, 1 साल की अतिरिक्त वारंटी यानी कि 2 साल तक की वारंटी पंप के लिए। तो दोस्तों अब जानते हैं बजाज DMH90 डेजर्ट एयर कूलर के वाटर फीचर्स। इस एयर कूलर में नहीं दिया गया वाटर ऑटो फिल के फीचर, जो इसकी सबसे बड़ी कमी है, और साथ ही इसमें नहीं दिया गया है वाटर ऑटो ड्रेन के फीचर। बचे हुए पानी को टैंक से बाहर निकालना, साफ करना। टैंक का टाइप है एंटी बैक्टीरियल। टैंक में रखे हुए पानी में जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा इस क्वालिटी के कारण। वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है। और बेहतर कूलिंग परफॉर्मेंस के लिए इस एयर कूलर में दिया गया है आइस चैम्बर, जिसमें रख सकते हैं आइस क्यूब्स। टैंक की कैपेसिटी है 90 लीटर। यूजुअली 1 घंटे में एक एयर कूलर 4 से 6 लीटर पानी कंज्यूम करता है, तो फुल टैंक के साथ यह एयर कूलर लगभग 12 से 15 घंटे चलेगा। अब आइए जान लेते इसके पावर फीचर्स। बी रेटिंग है 1 स्टार। मोटर का रेटेड पावर है 200 वाट। मोटर में दिया हुआ कॉइल है 100% कॉपर का। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पावर भी लगेगा 1.40 रुपए 1 घंटे में, अगर आपके एरिया में है पावर रेट 7 रुपए प्रति यूनिट। इससे कम ही आएगा। यह पावर बिल मैंने कैलकुलेट किया है तब का, जब यह एयर कूलर अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करे। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं एयर कूलर के कूलिंग फीचर्स। इसकी मैक्स कूलिंग कैपेसिटी है 5600 CMH। एयर थ्रो है 90 फीट तक। कूलिंग लेवल्स है 3, हाई लो मीडियम। 4-way एयर डिलीवरी मिलेगा इस एयर कूलर से, तो पूरे कमरे में कूलिंग दे सकता है यह एयर कूलर। ऑटो लूवर्स है वर्टिकल, यानी इसकी हवा दाएं बाएं होगी ऑटोमेटिकली। वहीं हॉरिजॉन्टल लूवर्स है मैनुअल, ऊपर नीचे के लूवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आप जानते हैं बजाज DMH90 डेजर्ट एयर कूलर के बॉडी के बारे में, बिल्ड के बारे में। इसका बॉडी बना है हाई क्वालिटी प्लास्टिक में, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। फैन टाइप है टर्बो फैन, जो अंदर बने हुए ठंडी हवा को काफी तेजी से बाहर फेंकती है। इस एयर कूलर में सामने की तरफ ऊपर दिए गए हैं कंट्रोल नॉब्स, नीचे दिए गए हैं 4 कैस्टर व्हील्स, जिसकी मदद से इस एयर कूलर को एक कमरे से दूसरे कमरे या फिर एक जगह से दूसरे जगह आराम से विस्थापित कर सकते हैं। हाइट है 126.5 cm। रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता इस एयर कूलर के साथ, जो इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी है। वाटर ऑटो फिल के बाद कूलर को बंद करने के बाद इसके लूअर्स को कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते। इसका नुकसान ये होता है कि बाहर की मक्खी मच्छर और दूसरे तरह के जीव जंतु कूलर के अंदर अपना घर बना लेते हैं। दोस्तों इस बजाज एयर कूलर में है बजाज ब्रांड का खुद का डूरा मरीन पंप। इस पंप की खूबी यह है कि यह प्रोटेक्टेड रहता है मॉइस्चर से, जिस कारण इसकी लाइफ ज्यादा होती है नॉर्मल पंप के तुलना में। इसीलिए बजाज ब्रांड दे रही है 2 साल तक की वारंटी अपने इस एयर कूलर के पंप पर। इस बजाज एयर कूलर में है 3 साइड से हनीकॉम पैड, जिस पर पानी गिरता है। कूलर चलने वक्त कूलर का फैन हनीकॉम पैड से गुजरने वाली ठंडी हवा को बाहर खींच कर फेंकती है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 3 साइड हनीकॉम पैड चाहिए, जो है इस बजाज एयर कूलर में। वहीं दिया गया है हेक्साकूल टेक्नोलॉजी वाले हनीकॉम पैड्स, जिसमें है एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी, इसीलिए इस एयर कूलर से होगा हेल्दी एयर कूलिंग। साथ ही पैड का डिजाइन है हेक्सागोनल, जिसके कारण डिलीवर होता है मैक्सिमम कूलिंग परंतु मिनिमम वाटर कंजम्पशन, या यूं कहिए हायर वाटर रिटेंशन। कूलिंग को और जोरदार बनाने के लिए दिया गया है आइस चैम्बर, जिसमें आप रख सकते हैं आइस क्यूब्स, और इन सब के ऊपर बजाज ब्रांड का ट्रस्ट। बजाज अकेली ब्रांड है जिसका सर्विस सेंटर मिलता है भारत के हर कोने में। तो ये सब थी अच्छी अच्छी बातें इस एयर कूलर के बारे में। अब आइए जानते हैं उन कमियों को, जिसको आपको जानना जरूरी है। इस एयर कूलर की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें नहीं दिया गया है वाटर ऑटो फिल के फीचर। 90 लीटर के टैंक को पूरा भरने में नानी याद आ जाएगी। साथ ही रिमोट नहीं मिलता इस एयर कूलर के साथ। ये 2 इसकी सबसे बड़ी कमियां हैं।
दोस्तों बजाज ब्रांड के इस बढ़िया बेस्ट सेलिंग डेजर्ट एयर कूलर, जिसके वाटर टैंक की कैपेसिटी है 90 लीटर और जिसका हवा पहुंच सकता है 90 फीट तक, इस प्रकार यह परफेक्ट है 100 स्क्वायर फीट जितने बड़े कमरे के लिए। इसको खरीदने का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आज gadgets.shiksha पर, वहां पर आप जान पाएंगे कि 5000 से 10000 रुपए के प्राइस रेंज में और कौन कौन से बेहतरीन एयर कूलर उपलब्ध है भारतीय बाजार में फिलहाल, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह रिव्यू प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।